सोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने की। वहीं इस मौके पर प्रदेश महामंत्री विशे ठाकुर बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें आवश्यक जिम्मेदारियां भी सौंपी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में युवा मोर्चा अहम भूमिका निभाएगा और भाजपा की जीत का परचम फिर से लहराएगा। इस दौरान अधिक से अधिक युवाओं को भाजपा की विचारधारा से अवगत करवाकर युवा मोर्चा में शामिल किया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर और देश महामंत्री विशे ठाकुर ने बताया कि युवा मोर्चा द्वारा वन बूथ 10 यूथ का लक्ष्य फिर से कार्यकर्ताओं को दिया गया है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने का जिम्मा बूथ पर नवनियुक्त युवा कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, जिसके लिए उनके द्वारा मुहिम तेज कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर 16 से 20 वर्ष के युवाओं को भी भाजपा के विचारधारा से जोड़ा जाएगा, जिसका मुख्य लक्ष्य युवाओं को अधिक से अधिक अपने साथ जोड़कर विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करना है। आज इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था वो आगामी वन बूथ 20 यूथ योजना के तहत रखा गया था कि आने वाले टाइम में हमें किस तरह से युवा मोर्चा को संगठित करना है और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इसमें हमें पूरे प्रदेश के पदाधिकारी और भाजपा जिला महामंत्री का मार्गदर्शन मिला और युवा मोर्चा जो भी हमें समय इसमें दिया गया है वन बूथ 20 यूथ के लिए, उस समय के अंदर वन बूथ 20 यूथ को पूरा करेगा और जो भी कार्य सरकार और संगठन के हैं वो बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। अभी हमने इसमें ग्राम केंद्र प्रभारी नियुक्त किए हैं, ग्राम केंद्र प्रभारी से हम इसे बूथ प्रमुख तक लेके जाएंगे। हर बूथ पे एक प्रमुख बनाया जाएगा, उस प्रमुख के देख रेख में हर बूथ पे 20 युवाओं की एक टीम बनाई जाएगी। मैं 16 साल से लेके 20 साल तक के युवाओं को हम पार्टी के साथ संगठन के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो 16 साल का युवा अभी है 2022 में हमारा पार्टी के लिए वोटर बनेगा, संगठन के लिए वोटर बनेगा। और आज से ही हम अगर पार्टी की विचारधारा को युवाओं के बीच में लेके जाएंगे और मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, आज उनके साथ सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो 16 साल का युवा हो, चाहे 20 साल का युवा हो, चाहे 40 साल का युवा हो, वो सभी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला पदाधिकारियों की बैठक आज सोलन के पार्टी कार्यालय में रखी गई थी। इसमें कोविड काल के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा थी, तो पूरे जिला युवा मोर्चा और सभी हमारे इधर पांचों मंडलों के कार्यक्रमों की आज समीक्षा हुई है और आगामी योजना जो वन बूथ 20 यूथ जो मिशन युवा मोर्चा अब ले रहा है उसका कैसे प्रारूप तैयार करना है, उसके बारे में भी आज कार्यकर्ताओं से विस्तार में चर्चा की गई कि किस प्रकार से हमने सभी मंडलों में अपने ग्राम केंद्र प्रभारी नियुक्त करने हैं, अपने बूथों में प्रमुख नियुक्त करने हैं जो जाकर के वन बूथ 20 यूथ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसमें हमारा ऐसा है कि कुछ हम इसमें जैसे जो कॉलेजों के नए नए यूथ हैं, लड़कियाँ हैं, सबको जो 16-17 साल के हैं इन सबको जोड़ा जाएगा जो आने वाले चुनाव में 2022 में वोट करेंगे, तो नए नए युवाओं को जोड़ने का इसमें प्रारूप है। गांव में किसान कोई नए डॉक्टर्स हैं, कोई नए प्राइवेट इंजीनियर्स हैं, उनको इसमें जोड़ने का हमने प्रावधान रखा है।